हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट अस डिस्कस द टॉपिक थ्रेट्स टू बायोडावर्सिटी अब हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं बायोडावर्सिटी क्या है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है किस तरह कंजर्व कर सकते हैं बट लेट अस विद द डेफिनेशन कि बायोडावर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड ऑल इट्स लेवल फ्रॉम जीन्स टू इकोसिस्टम तो जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो सब मिल रह रहे हैं ना मतलब एक लाइफ है ना जो अर्थ पे दैट इज द बायोडाइवर्सिटी अगर हम जीन से इको सब की बात कर लेना तो वो सब कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं बट लेट अस डिस्कस की दे इज देर सम थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी सो हम देख सकते हैं जो बिगेस्ट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का वो है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ जो ह्यूमन्स की एक एक्स्ट्राऑर्डनरी uh, ग्रोथ हो जावी है ना पॉपुलेशन की अर्बनाइजेशन हो गई है कॉन्सिक्वेंट तो ये बायोडाइवर्सिटी को किसी ना किसी तरह से हार्म प्रोवाइड कर रहे हैं सो so, हमारी जो डिमांड्स हैं फूड की शेल्टर की क्लोथ की या कंज्यूमर गुड्स की तो हम बहुत सारे हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पेड़ काट रहे हैं ये जंगलों के जंगल काट रहे हैं स्पीशीज का पूरा का पूरा घर ही ना ख़त्म हो रहा है और हम इसके बारे में एक भी ए, ए, क्या कहते हैं एक भी अवेयर नहीं हो रहे हैं ना अवेयर हमें कोई अवेयरनेस है ना हमारे आसपास कोई ही अवेयरनेस है और हम बिना देखे जो रुके बस किए जा रहे हैं अपने गुड अपनी डिमांड्स के लिए सो दे आर सम थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी लेट अस डिस्कस वन वन टू वन सो फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन तो जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है बायोडाइवर्सिटी ऑन ए लैंड आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आप देख सकते हो अगर लैंड के बारे में बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बट मोर देन फिफ्टी जो वर्ल्ड स्पीशीज है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही रहते हैं है बट जिस तरह से हम पेड़ काट रहे हैं जंगल ख़त्म कर रहे हैं अगर हम पिछले चालीस साल की बात करें तो बीस परसेंट ऑफ अमेजन जंगल जो है वो खाली कर दिए गए हैं फॉर टिम्बर या एग्रीकल्चर के लिए या फिर साइंटिस्ट ने मतलब बाकी बीस परसेंट ले लिया है जो भी मतलब अपने यूज के लिए अर्बनाइजेशन के लिए या फिर ग्रोथ के लिए हम जो है पेड़ काटे जा रहे हैं हो समझ ही नहीं रहे हैं कि ये पेड़ हमारे लिए कितने कितने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं फॉर द सर्वाइवल दादर इज़ ए फर्दर हैबिटेट लॉस एंड नेचर डिग्रेडेशन तो हैबिटेट लॉस जनरली ही डेवलपमेंट की वजह से होता है जब इंटेंसिव डेवलपमेंट या कुछ परमेंट पॉपुलेशन per के लिए हमें जब सोल्यूशन चाहिए होते हैं तब हैबिटेट लॉस होता है तो ये नेचुरल हैबिटेट को एलिमिनेट कर देता है और फेगमेंट इकोसिस्टम तो ताकि हम उन्हें अनरिकोगनाइजेबल हो सकें और जो माइग्रेशन है एनिमल्स की उनको फोर्स करता है क्योंकि जो सर्वाइव कर जाते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन जो सर्वाइव कर जाते हैं जब उनका घर ही हो गया या जिसे खत्म कर दिया तो उन्हें फिर माइग्रेट करना पड़ता है अपनी जगह सेक्सप्लोर्टेशन तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने ये कहा है कि अवर एक्सप्लोर्टेशन एक सेकेंड लार्जेस्ट थ्रेट है आफ्टर हैबिटेट लॉस को हम फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट थ्रेट बताते हैं बायोडाइवर्सिटी का और अगर अवर एक्सप्लोर्टेशन की बात करें तो जैसे लोग फिशिंग करते हैं तो जैसे ओवर एक्सपॉर्टेशन मतलब हद से ज़्यादा एक्सप्ड करना किसी चीज़ को तो जैसे ओवर फिशिंग अगर कॉन्टी हुई जिस रेट पर आजकल हो रही है तो टू तक जो वर्ल्ड है वहाँ पर सी फूड ख़त्म हो जाएगा नो वन कैन गेट सी फूड वैसे अगर ओवर हंटिंग बहुत सारे कारण की वजह से होती है एक तो उसमें बहुत हाई प्रॉफिट है अगर जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में लोग बनाते हैं सो तो अगर ऐसी रहा तो कोई भी एनिमल स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मोस्ट ऑफ दम क्योंकि एक लाइफ साइकिल है जो वो एनिमल्स मेन्टेन करते हैं, हैं अगर उसमें से एक भी खत्म हो गया एक्सीडेंट हो गया देन द दे वो सबको इफेक्ट करेगा देन द अदर थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी इज एयर पोल्यूशन तो पोल्यूशन की बहुत सारी फॉर्म है और वो बहुत बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को लेकिन एयर पोल्यूशन जो है वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉल्यूशन ये इन एनिमल्स को इफेक्ट करता है बर्ड्स को इफेक्ट करता है क्योंकि वो उन गैसेज को उन स्मॉल पार्टिकल्स को इनहेल करती है और जब वो उन पार्टिकल्स को इन्जेस्ट नहीं कर पाते हैं वो वो मतलब उनके अंदर रह जाता है जा तो दे कॉज सम डिजीज या हार्म टू देम जैसे जिनके एनिमल्स जिनकी थिन मॉइस स्किन है जैसे फ्रॉग्स तो वो इन गैस, इन गैसेज को एब्जॉर्व करते हैं थ्रू द स्किन ऑल्सो देन द अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द थर्ड टू बायोडाइवर्सिटी जैसे वाटर पोल्यूशन ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिक्रेज कर देता है क्योंकि बहुत सारा जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट गार वेस्ट डंप ये सब पानी में मिल जाता है ओशन पे जो वहाँ के बर्ड्स या मैरीन लाइफ की गैस्ट्रो इंटेस्ट सिस्टम को डैमेज करता है कंजस्ट करता है देन ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल जो बहुत सारे सोर्सेज से हैं या हैवी मेटल जो एसिड माइन ड्रेनेज से होते हैं ये सारे वाटर की क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं देन द अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन इज ऑल्सो ए थ्रेट टू बायोडावर्सिटी लाइक लैंड पोल्यूशन प्लांट like, uh, yeah, so, ग्रोथ के लिए अवेलेबल है तो ये देख रहे हो आप सब ये कैसे हमारी बायोडावर्सिटी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हार्म करते हैं देन देर इज ए क्लाइमेट चेंज तो जिस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे क्लाइमेट में चेंज है कभी बहुत सारी गर्मी हो जाती है कभी क्या कहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं लाइक फ्लड आ जाना सो so, क्योंकि होता है क्योंकि देर इज ए जो बहुत सारा कार्बन एटमोसफेयर में होता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल बहुत सारी तरह के जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन ये सारे क्लाइमेट को डिस्टर्ब करते हैं देन देर इज ए इन्वेजर स्पीशीज तो लोग क्या है दिख क्लाइमेट चेंज हमें एक एडवांटेजेस देता है इनवेजर स्पीशीज को कि वो अर्लीअर ब्लूम हो जाते हैं इन एक्सटेंडेड ग्रोइंग सीजन सो टेकिंग फॉर्म होर एंड क्राउडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेटिव स्पीशीज तो कहीं ना कहीं इनवेज स्पीशीज जो है उनकी ग्रोथ बढ़ती गई है और नेटिव स्पीसीज की ग्रोथ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है सो लेट इस डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें थर्ड तो बहुत पढ़े बट येट बायोडाइवर्सिटी हैज़ इट्स अन्स इंपॉर्टेंस ये हमारी जो लाइफ है उसको जो पूरा वेब है लाइफ का उसको स्ट्रेंथ देती है हमारी हेल्थ इकोसिस्टम में कॉन्ट्रीब्यूट करती है हेल्थी इको सिस्टम कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे क्लीन एयर में क्लाइमेट रेगुलेशन में क्लीन वाटर में या कि हमारी सॉइल को रिच बनाने में जिसकी वजह से जो प्रोसेस है लाइफ का वो चलता है कंटिन्यू रहता है वरना ये सब अगर रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी एग्जिस्टेंस है लाइफ की वो भी अफेक्टेड होगी सो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए जैसे हमें फ्रेश वाटर प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी देता है फूड सिक्योरिटी देता है डिफरेंट हैबिटेट को अडाप्ट करता है बायोलॉजिकल रिसोर्स देता है फूड चेन मेंटेन करता है सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ मेंटेन करता है बैलेंस बनाता है इकोसिस्टम का एंड एंड मैनी मोर सो लेट इस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर टो बायोडावर्सिटीज ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ जो आप एक एरिया में फाइंड करते हैं लाइक वेराइटी ऑफ एनिमल प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पूरा नेचुरल वर्ल्ड बनाते हैं और ये सारे स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म एक, एक दूसरे के साथ काम करते हैं एक इको एक बनाते हैं जो लाइफ और लाइफ को बैलेंस करता है और उसको सपोर्ट करता है सो बायोडाइवर्सिटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट और हमें उसे कंजर्व करना चाहिए जो भी थ्रेट्स है उन्हें रोकना चाहिए ताकि हम बायोडाइवर्सिटी ही बची रहे जिससे हमारी लाइफ है जो एग्जिस्टेंस है लाइफ की वो बनी रहे थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग